हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा अमरूद के पौधे में एयर लेयरिंग कैसे की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने अभी एक कट यहाँ से यहाँ तक मारा है। ये आप ये कट मार लीजिए, देखिए गोल शेप में कट मारना है, इधर से इधर तक चारों तरफ से आपको छील लेना है। ये देखा, ये छील लेना है। इसी तरीके से हम लोग दो जगह बनाए हुए हैं, ये एक देखिए यहाँ पे भी है, ये हमने अभी मारी है, ये भी हमने क्लीन कर लिया। अभी इसमें बाकी इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे आगे हम बताएंगे, इसमें क्या लगाना है, क्या करना है। और एक हम कट यहाँ पे मारने वाले हैं, ये देखिए ऐसे कट गोल 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 कट मारना है। ये देखिए यहाँ से कट 2 से 3 इंच की दूरी पे कट मारना है। ये पूरी डाल छील लेना है, ऊपर का छिलका। ये देखिए ऐसे, देखिए पूरी छील लेना है ये बढ़िया तरीके से। आपके पास चाकू या ब्लेड है उससे भी छील सकते हैं आप। उस तरफ से भी चारों तरफ से छील लो, ऐसे ही करके चारों तरफ से छील लिए। नींबू हो या फिर कोई भी अमरूद से हो, अमरूद नींबू कोई भी हो, बोगनवेलिया एयर लेयरिंग ऐसे ही की जाती है। पेड़ में लगे लगे जड़ बन जाती है, इसमें रूटें निकल आती हैं इसमें। बस ठीक है, छोड़ दो। अब सबको ऐसे ही, अगर कोई भी एयर लेयरिंग करना है तो ऐसे ही कट मारना पड़ेगा हर एक पेड़ में। या नींबू हो सकता है, या अमरूद हो सकता है, या फिर अनार भी हो सकता है, कोई भी पौधा है जो आप एयर लेयरिंग से तैयार कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये देखिए, ये मेरा टेप है, ये टेप की ज़रूरत लगती है इसमें। और ये देखिए, इसको बोलते हैं रूटिंग पाउडर, मेन तो यही है इसका। अभी दिखाएंगे इसको क्या करना है। और ये बोलते हैं मॉस घास, ये मॉस घास है, इसको भी कैसे लगाया जाएगा अभी हम बताएंगे उसका तरीका भी। तब तक के लिए ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहें। अब हम बताएंगे कैसे ये तैयार किया जाएगा। करण, मैं थोड़ा सा पानी डालो आगे, एक चम्मच लो, दो तीन चम्मच इसमें पानी डालो। बस आ जाओ इधर, आ जाओ, उंगली से फेंटो पटाख, उंगली से कबड़ लो, पूरा सही से गीला होकर एकदम बढ़िया मस्त। अच्छी तरीके से गीला कर लो, बढ़िया ले ले। ज़्यादा गिरा,
उसी उसी कट कहाँ कट कहाँ कट में लगाओ, हल्का गीला करके पाउडर इस कट में लगाना है, मेन डाल में जो है जहाँ पे कट हम लोग मारे थे, पूरी डाल में चारों तरफ लगा लेना है ऐसे करके ऐसे, बस वो मॉस घोस लाओ। ले लो मतलब भर के जो आ जाए ऐसे, आपको पन्नी या टेप की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा टेप ये होना चाहिए लगाओ। थोड़ा सा पाउडर ले आओ, डिब्बा उठा लो थोड़ा, या लिक्विड वाला डाल लो उसी में थोड़ा सा, बीचों बीच में डालो। आ जाओ, ऐसे करके देखिए मौत घोष प्रोटीन पाउडर इसको एकदम ठंडा बना दो इधर, बस पानी ना ज़्यादा गिलाना, गिर जाए छोड़ने से गिर जाए, पहले पन्नी हल्का लपेटो में। ये देखिए ये मौत घास रूटिंग पाउडर, ये रही पन्नी, ऐसे पन्नी को लेके इसे हाँ चढ़ाओ, ये देखिए एयर लैंडिंग ऐसे होती है, एक बार ऐसे चढ़ा दो पन्नी फिर टाइम मारते हैं इसको। अब मोबाइल तुम पकड़ो, ये देखो हम आ रहे हैं, ऐसे की जाती है कंप्लीट एयर लेयरिंग, ये इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग हो गई है। देखिए अब इसी में रूटे बन जाएंगे, एक से डेढ़ महीने में रूट तैयार हो जाएंगे इसमें, इसी तरीके से हम लोग सारी रूटों में ऐसे ही कर देंगे। तो अगर आप भी ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही आप पेड़ में रूटिंग पाउडर लगा के और मॉस वॉस लगा के बना सकते हैं। ये देखिए हमने नींबू में भी एयर लाइनिंग बांध दी है, ये देखिए जैसे हमने वीडियो में बताया था उसी तरीके से इसमें भी बांध दी, इसमें नींबू देखिए ये इतना बड़ा बड़ा नींबू चकोतरा वाला है, और भी अमरूद में भी हम दिखाएंगे कितने हमने एयर लाइनिंग बांध दी है, ली है और एक ये बांध दी है, एक ये बांध दी है, तीन अमरूद में बांध दी है एयर लाइनिंग।
जिससे कि 1-1.5 महीने में ये तैयार हो जाएंगी हमारी लगाने वाली अलग गमले में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।